नमस्ते भाई। देखिए भाई मेरे साथ बैठा है, दीपक पनवार नाम है और बहुत ही जबरदस्त लड़का है। एक घंटे से मैं इसी से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ और भाई की जो रैंक है वो 40 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक 40 है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय में भाई का सिलेक्शन हुआ है। और ये भाई की एक खुद ही बताएंगे ड्रीम पोस्ट थी या कैसी पोस्ट थी, बहुत सही लड़का है। तो पूरी जर्नी हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि इन्होंने एमईए का चयन क्यों किया, पहली प्रेफरेंस क्यों रखी? सबसे पहला सर, पहले तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको, आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। मैं वाकई आना चाहता था। अच्छा, आप बुलाते ना बुलाते नहीं, मैं भी वाकई में बुलाना चाहता था तुम्हें सच में। मतलब होता है ना, टॉपर्स तो बहुत है सर, टॉपर्स मतलब, लेकिन आपने मुझे बुला लिया तो उसके लिए धन्यवाद। और मैं आना भी इसलिए चाहता था क्योंकि मैं अपने दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, थोड़े से हाँ, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा सर। बिल्कुल, प्लीज। तो एक मेरा दोस्त है भगत सर, भगत, जिसकी शुरुआत मेरी जर्नी जो मेरी रही है उसी के साथ मेरी शुरुआत हुई है। एक है अंकित सर, अंकित, हाँ, ही इज स्टिल इन द जर्नी। अभी उसका अभी भी मेंस लिख रहा है वो, 2020 का, 2021 का मेंस लिख रहा है अब, और 2020 में उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कुछ ना कुछ। ओके, बहुत मेहनती लड़का है सर। और जो भगत है वो 2018 से GST इंस्पेक्टर दिल्ली उसको मिल चुका है। ओके, इज राइट नाउ ट्रेनिंग चल रही है उसकी और जोधपुर में उसकी आर्म्स ट्रेनिंग अभी चल रही है। अच्छा, आर्म्स ट्रेनिंग चल रही है सर उसकी। ठीक है, और एक है सुमित, वो भी मेहनत कर रहा है, उसका भी होपफुली कहीं ना कहीं हो जाएगा जल्दी। ये सारे लड़के सीजल की तैयारी कर रहे हैं। अब सर आपने पूछा ड्रीम जॉब, सर ड्रीम जॉब वाकई कभी कोई थी नहीं और ना ही मैं इसमें कंसेप्ट में बिलीव करता। हाँ। सर मुझे लगता है कि इस कंसेप्ट में ना वही बिलीव कर सकते हैं जिनको शोर शोट हो कि हाँ तू एक गॉड गिफ्टेड बंदा है और तूने मेहनत करी और तुझे सब मिल जाएगा। मैं तो ऐसा गॉड गिफ्टेड हूँ नहीं सर, मैं तो बहुत नॉर्मल सी सोच है और मुझे खुद नहीं पता था मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ। टाइम के साथ मेहनत करता गया 2018 में अभी CDA पे पोस्ट पे ऑडिटर पे मैं वर्किंग हूँ, लेकिन मैंने तब भी MEA को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी 2018 में भी। वो क्यों दी थी, मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था यार, कहीं जैसे लोग कहते हैं ना पुराने, अरे तू भर दे यार, क्या पता हो ही जाए भगवान क्या पता कर ही दे, भर दी मैंने अपने सेटिस्फेक्शन, मुझे पता था मिलेगी भी नहीं। GST लगता था सर, एक नंबर से रह गया मेरा GST पिछली बार कि शायद वो मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, ऑडिटर मिला, मैं उससे खुश हूँ। तो ड्रीम पोस्ट ऐसा मेरी कोई नहीं थी, नंबर आए मुझे लगा हाँ मैं इसके लिए कर सकता हूँ, मैंने भर दी। सर MEA मैंने चूज इसलिए करी कि मुझे लगता है कि इसमें बेस्ट कॉन्सेप्ट है प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स का, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स का दोनों का, सारे 30 डिपार्टमेंट्स में यही ऐसी है जो आपको फील देगी, आपको स्टेबिलिटी देती है गवर्नमेंट और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है प्राइवेट वाला फील, प्राइवेट वाला, तो ये बेस्ट है। और नो डाउट फॉरेन अलाउंस तो है ही, जो इसे नहीं कहते मुझे लगता है वो, मैं नहीं कहना चाहता वरना बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाएंगी। हाँ, बट मुझे लगता है फॉरेन अलाउंस का बहुत बड़ा रोल है, अदरवाइज आप किसी को बोल दो कि चल बाहर घूम के आ जा एक दो दिन के लिए और हम कुछ नहीं दे रहे, और इस बिहाफ पे तू अपनी पूरी लाइफ की जो है ना, जो तू पोस्ट चूज करने वाला है वो भर ले, कोई नहीं भरेगा सर मुझे लगता है। फॉरेन अलाउंस है, फॉरेन में रह के तो ही MEA है, बिल्कुल, अदरवाइज CSS भी सेम ही है। हाँ, सेम ही है। और अब तो मैंने सुना है CSS वगैरह की सभी की नई बिल्डिंग बनने वाली है, तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर उसका भी बहुत बेहतर होगा। वो तो अभी भी बिल्डिंग अच्छी है, अभी भी अच्छी होगी, मैंने देखी नहीं है सर। कॉलेज में टॉप करना, क्लास में टॉप करना भाई अलग बात होती है, अलग बात नहीं है यार, लड़के कर नहीं पाते सर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन में आप खुद से लड़ते हो, आप रोज खुद को बीट करते हो, आप बीमार हो, आप बीमारी को भूल जाते हो एक बार पढ़ने में, तो जब आप ऐसा करते हो ना, आप स्कूल कॉलेज में ऐसा नहीं करते, आप बीमार हो तो आप पढ़ जाओगे, आप स्कूल में हो तो आप कहोगे कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन आपको ये मौका नहीं देता सर। बिल्कुल सही बात, तो रोज आपको अपने आप को डिफीट करना होता है और डिफीट करके तब विजेता बनते हो सर। अच्छा, ये उम्मीद थी कि 40 रैंक आ जाएगी? अरे नहीं सर, नहीं सर, RBI चैनल है ना, बेस्ट एनालिसिस करता है, मैंने देखा है उसको। अच्छा, रैंक वाइज कट ऑफ वाइज करता है, उसके हिसाब से सर वो रैंक आसपास बता रहा था कि 60s में होगी। तो मैंने अपने आपको लगा के चला था कि यार अंडर 100 तो होगी। ओके, अंडर 100 तो होगी, पर फॉर्चुनेटली सर 40 आ गई, तो नो डाउट सर खुशी तो मिलती है सर जब आप अनएक्सपेक्ट। हाँ, अगर मुझे ये होता कि मेरी 100 आ जाएगी और 100 आ जाती, फिर भी कम वो होता, कम खुशी मिलती। अच्छा, मैंने कहा ना सर, मैंने कहा ना सर आपको, अनएक्सपेक्टेड में ही खुशी है सारी, अनएक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी, तब आपको रियल खुशी मिलेगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी मेरी इतनी रैंक होगी, तब मुझे उस रैंक की खुशी मिली। और खुशी मतलब सर
खुशी का तो ये सीन है, इतना तो 40 नंबर लिखने पे भी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी जब मिलती है कि जब मैंने अपने दोस्तों से बात करी जिन्होंने मेरे साथ लग के तैयारी करी है, उन्हें पता है कि दिन कैसे गए हैं। आपके स्कूल के दोस्त हैं वो? एक लड़का मुझे मुखर्जी नगर में मिला था तैयारी करते हुए, वो उसी का नाम अंकित है सर। तो तैयारी के दौरान जो लड़के मिलते हैं बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। और सर मैं कह रहा हूँ मौज जो लड़के हैं सर वो मौज उठा के रखते हैं, तैयारी जबरदस्त पढ़ो। एक वो बताओ इनको कि ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करनी, मौज लेके करनी है। भाई देख ऐसा नहीं है सर कि सीरियस वालों का सिलेक्शन नहीं होता, पहली बात तो ये कैमरा है ना, ये बहुत अजीब अजीब चीजें कहलवा देता है तो इस पर ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। तो सीरियस वालों का सिलेक्शन तो चलो हो जाता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन भाई जितना मेरी समझ में आया है ना सीजीएल और जितना मैंने देखा है, मैं अभी भी वर्किंग हूँ सीडीए डिपार्टमेंट में, तो मैंने जितने लोगों को देखा है ना, लड़कों को देखा है, लड़कियों को देखा है, सारे भाई बहुत बोलते हैं जबरदस्त, मतलब अब मैं क्या ही वर्ड यूज करूँ सर, आपके साथ तो कर लिया, बकैत, बहुत बकैती करते हैं भाई बहुत ज्यादा बकैती, मतलब ही नहीं है उनका सीरियस रहने का। अबे सीरियस हो गए तो खत्म हो गया काम, सीरियस होते ही सर भाई बिल्कुल भी सीरियस नहीं है यार, नहीं है सर मेरा मानना है सीरियस रहो चेयर पे बैठ के, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही मैं उठता था ना टेबल से या मेरे दोस्त भी उठते, वो कहते थे यार तुम पढ़ते हो, लगता तो है नहीं कहीं से, मैंने कहा लगना भी नहीं चाहिए, अगर लग गए तो फंस गए, दुनिया सो बातें बनाएगी, यार ये तो पढ़ते ही नहीं है, ये तो पढ़ते बहुत है, मैं कहा हो सकता है नजर लग जाए, हालांकि मैं बिलीव नहीं करता सर नजर में, लेकिन मानना है कि यार क्यों, अब मैडम बैठी है सर बैठे अपना काम कर रहे हैं, अब बाहर जाके थोड़ी कहेंगे सड़क पे कि यार मैं ऐसे फोटोग्राफी या मैं ऐसे ये काम करता हूँ ना, जहां बैठे हैं वहीं मैटर है इनका, अगर ये चीज अच्छी बनेगी तो इनका नाम होगा, तो जो आप बैठते हो वही मैटर करता है, आप क्या कर रहे हो, टेबल पे बैठो सिर्फ पढ़ाई करो, उठो तो सिर्फ बकैती करो। एक एक तैयारी करने वाले बंदे का मेरे हिसाब से इससे अच्छा काम नहीं है कोई, पढ़ाई करो बकैती करो, पढ़ाई करो बकैती करो, और पेरेंट्स को सपोर्टिव होना पड़ेगा सर अगर सिलेक्शन चाहिए बच्चों का, पेरेंट्स अगर सपोर्टिव नहीं है तो एक मुझे लगता है लायक बंदा भी नालायक बनने में देर नहीं लगेगी। तो बकैती करने के लिए अच्छे दोस्त होना जरूरी है, बहुत अच्छे दोस्त होना जरूरी है, और चार दोस्तों में भी वो दोस्त आपको मिल ही जाता है जो एक स्टैंड आउट कहते हैं ना हम, यार ये हम में वो बंदा है जो सबका मन लगा के रखता है। मैं सच बता रहा हूँ, आप 10 लोगों को सीरियस खड़े कर लो, अगर वो दोस्त है ना तो उनमें भी एक बंदा ऐसा मिल जाएगा जो ऐसा बकैती करता होगा जो सबका मन लगा के रखेगा। दोस्तों की अहमियत सर घटा नहीं सकता कोई भी, मैं कहता हूँ दोस्त जो है ना सेकंड फैमिली होते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने, मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं घर से दूर रहा कैसे रह लिया, चलो घर वाले तो घर पे थे, घर से दूर रहा क्योंकि मेरी सेकंड फैमिली थी। तो ये है कि सर जब 40 रैंक आई नहीं, उससे इतनी खुशी नहीं मिली जितनी घर वालों के चेहरे पे देख के और दोस्तों के आवाज सुन के जितनी खुशी महसूस हुई ना, लगा कि हाँ है कुछ, ठीक है, बस थोड़ा सा रिग्रेट है, एक दोस्त और रहता है उसका हो जाए तो बस लाइफ सेट है सर, हो जाएगा उसका भी। हाँ सर, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनको क्या सलाह देनी चाहिए कि आप ऐसे करो, 4-5 टिप्स जो गाइडेंस बच्चों को देनी चाहिए जो जरूरी है? मुझे लगता है ना गाइडेंस तो सर टिप्स भी एक दो ही बहुत है, पहली चीज आपके घर वाले सपोर्टिव होने चाहिए, उनके बिना कुछ अच्छा, नहीं किसी होगा। घर वाले में होते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे जिनके घर वाले सपोर्टिव नहीं होते, नहीं होते, काम करने के लिए भी बोल देते हैं, काम करने बोलते लड़के से, लड़कियों से भी, तो ऐसे अगर घर वाले तो उनको कैसे मनाए सर? फिर काम आती है मेरे हिसाब से सर, अगर किसी घर में जैसे कि एक बेटा है या एक बेटी है तो सर काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि सर पेरेंट्स भी एक बच्चा है तो वो किसको बोलेंगे सर, काम तो करना पड़ेगा। फिर आप काम आती है आपकी टाइम मैनेजमेंट की, जितनी भी आपकी स्किल्स होती है, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, अनडाउटेडली अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, सच बता रहा हूँ, पेरेंट्स के अंदर भी, पेरेंट्स को भी दुख होगा आपको काम बताते हुए, अगर आप नहीं पढ़ रहे लगना चाहिए, और वो लगेगा कब, जब आपको कुर्सी और मेज से प्यार हो जाएगा, वो तभी लगेगा उनको। रिजल्ट की फिक्र मत करो, रिजल्ट तो आ ही जाएगा सर, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन एक रिजल्ट और भी है जो माँ बाप के मन में होता है जब वो अपने बच्चे को बैठ के मेहनत करते हुए देखते हैं, तो जब वो रिजल्ट आ जाएगा समझ लो आप माँ बाप की नजरों में पास हो गए, चाहे आप SSC में फेल हो जाओ सर। अरे बिल्कुल सही बात बोली आपने, कितनी बड़ी बात बोली है। कितने लंबे की सिटिंग हो जाती थी आपकी एक बार में? सर सिटिंग हो जाती थी हमारी सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, 8 बजे तक तो मैक्सिमम सर, 9 बजे तक, 10 भी बज जाते थे। जब अपने घर पे शिफ्ट हो गया सर, तो ये सर 12 घंटे की शिफ्ट हमारी कभी नहीं टूटी, लेकिन 2017 में और फिर 18 आते आते 18 में हमने, मैंने सर 15 घंटे भी पढ़ा हूँ मैं सर,
जैसे मैंने कहा गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं है, मेहनत है इसके पीछे, ना ही कुछ ऐसे मिल गया, सालों की मेहनत है करनी पड़ती है। इंजीनियरिंग में थे, ब्राइट स्टूडेंट थे, उसके बावजूद भी मेहनत करनी पड़ी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये जो लड़के कहते हैं लक बाई चांस लक से हो जाए या इतना करके हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझे लगता है ना सर, लक को भी आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो ही लक आपके साथ आएगा। बिल्कुल सही, ये मुझे चीज पता तो थी, रियलाइज आज होती है साली इधर बैठ के कि यार ऐसा तो है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एसएससी की तैयारी की है सर, मैं मतलब बचपन से मतलब सच में बहुत मेहनत करी है पढ़ाई के पीछे। और पढ़ाई मुझे पता है सिर्फ टेबल पे ही बैठ के होती है। वो कहते हैं ना यार सोफे पे बैठ जाओ, आप बेड पे सो जाओ बेटा, अच्छे से पिलो लगा ले, अच्छे से कमर सीधी करके पढ़ ले। नहीं भाई, कमर सीधी सिर्फ टेबल पे ही होती है, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई, लंबे लंबी सीटें, टेबल चेयर पे और लकड़ी वाली टेबल पे। हाँ, महल नहीं चाहिए, महल में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होगी लकड़ी के मकान में जहां गर्मी लगेगी। सर बेहद पढ़ना पड़ता है, कुर्सी पे बैठ के 15-15 घंटे 16-16 घंटे खपाने पड़ते हैं, बुरी हालत होती है। लेकिन एक बात पता थी कि ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ तो रिजल्ट मिलेगा। मेरे ताऊ जी ने भी यही बात बोली थी, वो स्पिरिचुअल फील्ड में है थोड़ा सा, कि मेहनत किसी की बराबर से नहीं जाती। ओके, अगर तूने मेहनत कर ली आज ना सही, कल हो सकता है एसएससी में ना तेरी मेहनत काम आई तेरे को, लेकिन ये मेहनत तेरे को कहीं और काम आएगी, पर मेहनत जाया नहीं जाएगी। और सर इस चीज का मुझे फील सिर्फ एक ही बात से होता था, मुझे रात को नींद बड़ी अच्छी आती थी। तब मुझे महसूस हो जाता था कि तू यार सही ट्रैक पे जा रहा है। बिल्कुल, मुझे भी रात को नींद बहुत बढ़िया आती है। तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो सर, ये सच बात है। चिल्लाता बहुत हूँ यार मैं, चिल्लाना कम करना है क्लास में, मैं कैसे बेहतर करूँ अपने आप को। आप ऑलरेडी बेहतर हो इस फील्ड में, तो आप कुछ और करना है तो बताओ। हाँ, बेहतर मतलब क्या करना है आपको, यहीं पर रहकर बच्चों को गाइड करना है। हाँ, इसी फील्ड में सर काम करना है। आप बेहतरीन गाइड कर रहे हो, बस अब बच्चों से ना मतलब कन्वर्सेशन, और मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा माध्यम है। मैं आपको बताता हूँ, आप ये इंटरव्यूज कर रहे हो, मैं बच्चों में रहा हूँ, मैं ग्रुप में क्राउड्स में रहा हूँ, मुझे पता है बच्चे कैसे सर मतलब एस्पायर करते हैं, कि वो ये नहीं सोचते कि मुझे एसएससी में पोस्ट चाहिए, वो ये सोचते हैं मुझे एसएससी में पोस्ट लेके यहाँ पहुँचना है। अच्छा, ताकि मैं और बच्चों, ताकि हम भी अपनी कहानी बता सके कि हो क्या रहा है साला लाइफ में। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बच्चों बस कहने के लिए बहुत कुछ होता है सर। टॉपर नहीं बना जाता कह के, टॉपर तो एक प्रोसेस होता है, आपका लक और आपकी मेहनत ने साथ दिया तो आप टॉपर बन गए। आप अपना बहुत सही काम कर रहे हो, ट्यूनिंग अच्छी रखो, अपना मटेरियल आपका अपडेटेड रहता ही है। हाँ, एक बार अपना पूरा वो बताओ, स्कोर का ब्रेकअप क्या है आपका प्रीमे और सर में? प्रीमे मेरे 2018-19 में भी स्कोर सेम ही है, 185 point something 185.4956 समथिंग लाइक दिस 185। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है सर। और जो मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर मतलब जो रॉ स्कोर था मेरा, वो था 151 था सर, शायद 151। इसमें मैथ्स में कितने आए थे सर? मैथ्स में तो इसमें मेरे आज भी याद है 17 से 18 क्वेश्चन हुए होंगे मैक्सिमम, 19 भी नहीं, या मैक्सिमम 19-20 तो हुए नहीं थे प्री के पेपर में। हाँ सर। अच्छा? मेरा अच्छे वाली शिफ्ट में था, आपको याद होगा 4 मार्च की शिफ्ट थी कोई, चार उसकी। हाँ, हाँ, याद है, 4 तो उसमें मेरा दोपहर में शिफ्ट था, तो मेरी टॉप 2-3-4 में अच्छा मैथ पेपर आया था इसमें, तभी सर नॉर्मलाइज्ड होके इतने मार्क्स हो गए इनके। हाँ, समझ। लेकिन सर एक बात अच्छी थी उसमें, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी फिर मैं भूल जाऊं, मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया, लेकिन मैंने 2019 के प्री में सिर्फ एक मॉक टेस्ट पेपर दिया था। अच्छा। हाँ, अब दुनिया ये ना सोच ले इससे कि यार एक मॉक टेस्ट से भी काम चल सकता है। भाई मैंने 2017 और 2018 में इतने मॉक टेस्ट दिए हैं जितने साल में दिन होते हैं। हाँ, अच्छा। एक दिन पहले पेपर था, मैंने कहा दोस्त को साले मरवाएगा क्या, रोज ले जा रहा है, सब वे ले जा रहा है, कभी कहीं ले जा रहा है। और मेरे से हमेशा कहता था वो, भाई मुझे एक बात बता दे, तेरा वाइस इंस्पेक्टर बनागा नहीं बनागा? हरियाणा में बोलता है सर, हरियाणा में ऐसा नहीं पता क्या हो। मैं कहा साले बन जाएगा भाई, मैं कहा यार मैं क्या कहूँ, पहली बार नॉर्मलाइज हुआ है मुझे नहीं पता। एट द एंड साला खुद इंस्पेक्टर बन गया, मेरे को ऑडिटर छोड़ गया। बहुत होती है सर हमारी इस बात पे। तो पता नहीं ना था सर कि ऐसा होगा, तो उस चक्कर में मैंने उसे एकदम से एक दिन पहले कहा भाई मॉक टेस्ट दे ले, कहता चल दे लेते हैं। एक मॉक टेस्ट दिया गया सर, मैं गलत नहीं कहूंगा, उसने भी एक ही दिया। अच्छा। हाँ, बस ये तो ये समझ लो कि हम रोज जो है ना, लेकिन सर अब ये चीज आई बताने वाली, अब ये अगर मैं ना बताता तो दुनिया कहती कि भाई एक मॉक टेस्ट होगा, हम लेकिन बताने वाली क्या है, उससे पहले हमने जितनी भी प्रैक्टिस करी सब टाइम बेस्ड करी, सारे प्री के पेपर उठा लिए सब, ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस होती थी सर हमारी, सीपीओ के उठा लिए बेहतरीन पेपर आते हैं सर, मुझे लगता है इनसे भी अच्छे आते हैं, सीजीएल के उठा लिए, सीएचएसएल के उठा लिए, इवन एमटीएस के नहीं छोड़े सर हमने, सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे, सारे पेपर उठा लिए, मैथ्स उठा लिया, क्योंकि मैथ्स में ही सर टाइमिंग की बात होती है और कहीं टाइमिंग की चक्कर नहीं चलता।
हम मान के चलते कि हमें आधा घंटा देना है मैथ्स को, उठाया अलार्म सेट किया, 20 मिनट लगाए सर दबा के, 20 मिनट का टाइम लगाया 25 क्वेश्चंस के लिए। कई बार ऐसा होता था उन 20 मिनट में 25 क्वेश्चन, छोड़ो 20 भी नहीं होते थे, लेकिन कई बार 15 मिनट में 25 हो जाते थे डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर सर। तो सर ये चीज देखने लायक है कि हमने जब भी मैथ की प्रैक्टिस करी टाइम बेस्ड करी सर, उससे उससे क्या हुआ सर कि हमें मॉक देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं आज देखूं तो हमारी मॉक नहीं दिए थे किसमें सर, मेंस के एग्जाम के लिए। मेंस में तो सर बहुत दिए, मेंस को कैसे सर फॉर ग्रांटेड ले सकते थे, तब तो सर मुझे पता ही लग गया था कि तेरे साथ क्या हुआ है। मेंस में बहुत मॉक दिए सर रोज, और मैं आपको बता रहा हूँ दो दो हमने दो दो मास्क लगा के दिए, क्योंकि उस टाइम में एक अफवाह फैल रही थी कि यार आपको बिना मॉक के पेपर नहीं दे देना चाहेगा, बिना सॉरी मास्क के। तो भैया गर्मी में बैठ के एसी ऑफ करके पंखा बंद करके पूरा पसीनों में नहा के तब मोक लगाते थे। मैंने कहा वर्स्ट केस में देना है, वहां पे मिल गया अच्छा है। हाँ, मेंस में स्कोर कितना रहा फिर? सर मेंस में मेरा स्कोर रहा कि इंग्लिश में शायद 191 मेरा रो स्कोर था, 193 पॉइंट समथिंग मेरा नॉर्मलाइज स्कोर है, और मैथ्स में 200 थे और रो स्कोर था, और उसमें 244 थे नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो था, और इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव में 67 थे, और पिछले साल इसी की वजह से 44 नंबर आने की वजह से सिलेक्शन 46 पे ग्रेड रह गया था। मैं कहूँगा कोई अच्छी पोस्ट हो ना हो, लेकिन 4600 पे ग्रेड रह गया था, अगर नंबर ठीक ठाक आ जाते तो वो मिल जाता। मैं किसी पोस्ट के बारे में कहता ही नहीं कि क्या मिलता क्या नहीं मिलता, लेकिन वो मिल सकता था, एक नंबर की वजह से रह गया था मेरा। ये सीन था सर इसमें मेंस में। मेंस में तो सर मॉक्स कोई दिन ही नहीं था जिसमें मॉक्स नहीं दिए हमने। मंडे से मंडे हो या संडे, रोज लोग कहते हैं रोज खाओ मंडे, मैं कहता हूँ रोज खाओ मॉक, मॉक्स खाओ भाई, पढ़ो ना पढ़ो मॉक्स लगाओ। मैं तो इंग्लिश दोनों का लगाते थे। मैं तो नहीं सर, सर SSC की तैयारी कर करके आंखों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ। हाँ यार ये प्रॉब्लम हो रही है सर, आंखें रेड हो जाती थी। मैथ का कभी नहीं छोड़ा, एक दो फेज आते थे बीच में यार थक गए, अब एफिशिएंसी डाउन जा रही है जस्ट बिकॉज ज्यादा मार्क्स लगा लिए, तो दो चार दिन का रिलीफ दे देते थे, दो दिन का जैसे ही देते थे रिलीफ ऐसा लगता था यार पीछे रह गए, अरे यार क्या करें ट्यूशन भी फिर लगा दिया। तो सर मॉक डेली, लेकिन सर हम मेक श्योर एक चीज करते थे कि मॉक लगाना है उस टाइम पे जिस टाइम मॉक का टाइम होता है, 9 बजे लगाते थे सर सही जब पेपर होता है। अब की बार मैंने सुना टाइमिंग में थोड़ा ऊपर नीचे था शायद, थोड़ा बहुत मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा टाइम था सर 9 बजे मॉक शुरू कर देना मैथ्स का। सर मैं इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मेटिक्युलस था। अच्छा, मैंने इंग्लिश को सर सच बताऊं फॉर ग्रांटेड लिया है, पढ़ी रोज है लेकिन बेचारी कम पढ़ी गई है। इंग्लिश में सर स्कोर आपका बहुत धीमे धीमे खिंचता है अगर आप अच्छे नहीं हो ना। हाँ। आपको उसमें मेहनत तो चाहिए। अब मुझे लगता है ना सर मेहनत से ज्यादा इंग्लिश में परसेवरेंस चाहिए, सब जगह चाहिए सर परसेवरेंस, पर आप इंग्लिश को अगर 15 दिन के लिए छोड़ दो ना यार ऐसा लगता है जीरो से स्टार्ट करनी पड़ रही है दोबारा से। हाँ, तो इंग्लिश में आप लगे रहो, मेरा मानना है खुद का, आप लगे रहो इंग्लिश में, कम टाइम दे दो कोई बात नहीं, इंग्लिश आपको माफ कर देगी, पर अगर आपने छोड़ी फिर आपको माफ नहीं करेगी। हाँ, और सर मैं आपको बताता हूँ जस्ट बिकॉज जब से TCS आई है तो इंग्लिश का पेपर कोई खास ज्यादा बड़े लेवल का भी नहीं आ रहा। हाँ, इंग्लिश का पेपर नहीं आ रहा होता, ठीक आ रहा है मुझे लगता है, अच्छा आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है कि पता ही नहीं लग रहा यार इसमें कौन सा वो लग रहा है, बंदे को पता होता है अगर वो गलती का क्या है यार ये गलती होगी, ऐसा पेपर आता है। तो उससे क्या हो रहा है ना सर, सभी जा रहे हैं 180 के मार्क पे, तो आपको स्टैंड आउट करने के लिए 190s में घुसना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश सब जा रहे हैं 180s में, तो सर इसलिए मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन था कि चलो 190s में आए हैं अच्छा है। अगर आप फॉर ग्रांटेड ले लो उसको मतलब ज्यादा ही, तो आप फिर 180s में खिसक जाओगे, फिर आप स्टैंड आउट नहीं करोगे लोगों से, लोगों से तो यार 200 196 देखा ही आपने, तो इंग्लिश किसी को मौका नहीं देती। चीज हम कहते हैं ना क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल है, ये इससे कम नहीं है सर SSC भी। हाँ, अगर आपको डिजायर्ड पोस्ट तक पहुंचना है, डिजायर्ड और आपको डिजायर्ड, और अगर लोकेशन की बात करें लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे CGL मिला तो आपकी बार भी एक्साइज मिला भी लोगों को 645 मिल गया मेरे हिसाब से जनरल में, लेकिन जो भाई साहब 680 बैठे हैं मिलेगी उनको ही जहां चाहिए। तो स्टेट का भी बहुत मटेरियल है, मतलब कि कहाँ आपको जॉब चाहिए उसके लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हर एक टायर में बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा, एक में भी आप पीछे छूटे तो आप मुझे लगता है डिजायर्ड पोस्ट से शायद पीछे रह जाओगे। तो जो टारगेट है वो ऊंचा ही रखना है, लंबाई टारगेट रख के प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अच्छा। मेहनत जबरदस्त कर दो कि टारगेट भी भूल जाए टारगेट कहाँ था। मेरे हिसाब से अगर आपको मेहनत करनी है मेहनत करो, और अब साला ये सब कुछ सर प्रूफ होता है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, ये सच बात है, सच बात है। हाँ, SSC ने सिखाया सर सिखाती है सर, जब आप कुर्सी पे बैठते हो ना आपको लगता है कि आपको दुनियादारी की ना नॉलेज नहीं होगी, लेकिन सच में ये भी एक मेडिटेशन है। अच्छा, टेबल पे बैठने की आपकी बात सही है, बच्चों में पेशेंस नहीं है, धैर्य उनको बहुत जल्दी वो बौखला जाते हैं,
लंबे टाइम तक पढ़ नहीं पाते, रिजल्ट जल्दी चाहिए उनको, वो कैसे करें फिर? सर जो मेरा केस है कि अगर पेशेंस नहीं है, पहली चीज पेशेंस भी तब आएगा, ये डिसाइड मतलब पेशेंस होना ना होना भी एक ये फैक्टर है कि आपको जॉब चाहिए भी नहीं चाहिए। एक तो होता है कि आप दुनिया के कहने पे जॉब चाहिए, मुझे नहीं लगता उस कैंडिडेट में जॉब पेशेंस आ सकता है सर, ये ही सारा इम्पोर्टेंट। अगर आपके अंदर से बात कहती है ना, अगर सर क्यों गरीबों घर से, गरीब के घर से लोग क्यों जॉब्स में जा रहे हैं, अमीरों के घर से नहीं जा रहे इतने लोग। बिल्कुल सही वजह है सर, उन्हें जरूरत है पेशेंस सर, उन्हें सीखना नहीं है, पेशेंस उनके खून में उतर गया सर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सर ये काम होता है, लेकिन अगर फिर भी पेशेंस नहीं आ रहा तो मैं कहता हूँ पेशेंस को मारो गोली, डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन ना मोटिवेशन कोई चीज। मोटिवेशन आपको किसी काम में लगा सकता है, उसमें रोक नहीं सकता, रोकेगा आपको सर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जैसी चीज मुझे नहीं लगता सर दुनिया में कोई बनी हो। मोटिवेशन तो बहुत थोड़ा सा है, मोटिवेशन पे तो वीडियोस भरी पड़ी है, 50 वीडियोस, सब टॉपर्स हैं, फेलियर्स हैं, क्या होता है? पांच दिन बाद सभी 20 लोगों को दिखाओ आप, 20 में से एक ही बैठा मिलेगा आपको कुर्सी पे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उसने डिसिप्लिन बना लिया अपना। डिसिप्लिन कुछ नहीं है सर, कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं, डिसिप्लिन बेस्ट चीज है। डिसिप्लिन उतार लो, मैं कहता हूँ सपने भी पूरे हो जाएंगे, डिजायर्ड पोस्ट भी मिल जाएगी, यहाँ भी बैठ जाओगे नो डाउट कभी ना कभी, क्या दिक्कत है। तो ये भाई थे दीपक पनवार हमारे साथ, और बहुत अच्छा लगा इससे बात करके। और हमारे तीन लड़के आज आए थे और तीनों से हमने बात की, तो हमारी वो कन्वर्सेशन भी आपको YouTube चैनल पे देखने को मिलेगी।